कुमार सिंह। कहाँ जा रहे हैं? सियालदह जा रहे हैं। कौन सा बोगी में थे? S4 में थे। क्या हुआ था वो घटना, कैसे हुआ? घटना हुआ, हम लोग तो बोगी में बैठे हुए थे, पीछे से गाड़ी का वो हुआ तो हम लोग नीचे भी गिर गए, बच्चे हमारे थे दो चार नीचे गिर भी गए। इसके बाद हम लोग देखे तो दो चार इंजन हम बचाने पर, एक हम ड्राइवर को भी वो निकाले बाहर, इंजन मालगाड़ी का ड्राइवर को बचा हुआ था, लेकिन क्या हुआ इसके बाद हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन प्रशासन 2 घंटे के बाद आई, कोई नहीं है रेलवे का, कोई नहीं स्टाफ, कोई नहीं, 2 घंटे बाद आया। बार बार तो ट्रेन ऐसा हादसा हो रहा है, क्या बोलेंगे? ये तो प्रशासन का, रेलवे का ही हुआ है, रेलवे का है और कोई नहीं है, रेलवे का है सब व्यवस्था। एक ही लाइन में 2 ट्रेन आना, ये क्या संभव है? क्या बोल रहे हैं? संभव क्या किया है, कहा जाए, ये तो बहुत कहा है, बुरी तरह जनता को परेशान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है सब, तो बहुत दिक्कत है। अभी क्या कहेंगे? ये जो परिस्थिति, ये प्रशासन का है, प्रशासन का है, पूरा रेलवे का है, हम कहेंगे पूरा रेलवे का है। मान लीजिए एक ही बोगी, ये गाड़ी स्लो चल रही थी, ये गाड़ी रुक रही थी, खुल रही थी, रुक रही थी, खुल रही थी, पीछे से आके वो धक्का दे दिया। हाँ, धक्का दे दिया, 5 आदमी का मौत हो गया। किंतु जो यहाँ पर लोकल है वो लोग बोल रहे हैं कि रेल का गाफिलती है, नेग्लिजेंस है। देखिए जो भी घटना घटी है बहुत ही अप्रिय घटना है, और आप सब देख रहे हैं साइट पे किस तेजी के साथ प्रशासन और रेलवे की टीम NDRF SDRF काम कर रही है। मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता इस तरह की घटना हो, घटना घटी, हम सबको थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, और इस समय हम सबको चाहिए कि जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उसको अपना काम करने दे। ये बात जरूर है कि घटना बहुत बड़ी है, और कंचन कन्या यहाँ से अपनी नॉर्मल से कम स्पीड पे जा रही थी, और पीछे से जो है मालगाड़ी आ करके पीछे से उसको टक्कर मारी है, और 2 पार्सल जो है पीछे के डब्बे और गार्ड का जो रूम होता है वो काफ़ी डैमेज है, और अभी 5 या 6 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है ऐसा जानकारी सामने आ रहा है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और कुछ लोग जो है उनको चोटें आई है, और आप सब देख रहे हैं लगातार 2 दर्जन से ज़्यादा एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी है, और NDRF SDRF अपना काम कर रही है, रेलवे की टीम और यहाँ की प्रशासन पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे लगता है हम सबको अभी थोड़ा सा उनको ये जो रेस्क्यू का काम है कि बारिश भी हो रही है, मौसम अच्छा नहीं है, उसको काम करने दे। मुझे लगता है हम सबकी प्राथमिकता अभी यही होनी चाहिए, और जो भी घटना घटी है कहीं ना कहीं लापरवाही लगती है। अब जो भी लापरवाही है नहीं है इसकी जांच होगी, और जांच करके जो उचित कदम होगा वो रेलवे मिनिस्टर उसको उचित कदम उठाएगी, और रेलवे मंत्री की तरफ से भी वो लगातार यहाँ पे जो संपर्क में है, उन्होंने 8:30 बजे ही सारी अपनी टीम को और सारी मेडिकल टीम को रेस्क्यू के स्थान पे उन्होंने भेज दिया था, और ये अप्रिय घटना है, और मेरे आप सबसे दरखास्त है कि एक बार जो काम चल रहा है उसको हम सब लोग मिल करके चलने दें।